Hello everyone, welcome to the digital platform of your school, the Wings Academy. Students, today we are here for standard 5th and we are going to study maths today. As you can see, the first chapter of your book is all about revision. And I guess आप ये खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं. You can have a look to these questions. These all are from your previous classes. So I'll leave it to you. You can have a look. This question. I'm leaving it to you. And we'll start from the second chapter, that is Roman numerals. Roman numerals or Roman numbers. सबसे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले आपको ये जानना होगा कि इस नंबर की शुरुआत हुई कैसे. So I'll tell you that the ancient Romans used letters instead of numbers. आज भी वहाँ बिल्डिंग्स के जो नंबर्स होते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे. नंबर्स जो होते हैं वो लेटर्स में लिखे होते हैं. आजकल तो हम लोग भी ऐसे रोमन नंबर्स का यूज अपने डेली लाइफ में कर रहे हैं. क्या आप बता सकते हैं कहाँ? सर ध्यान से याद करिए, घड़ी में. घड़ी की जो आप किसी किसी घड़ी में आपने देखा होगा कि रोमन नंबर्स में डिजिट्स लिखे होते हैं. या फिर आप अगर आपको अगर याद हो तो नंबरिंग करने के लिए हम लोग रोमन नंबर्स का यूज करते हैं. सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इसीलिए इस क्लास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू कैन से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर आप इसे कह सकते हैं. सो आगे बढ़ते हैं. तो आगे अगर बढ़ते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें एक टेबल देखने को मिलता है जो कि रोमन न्यूमेरल्स और उनकी वैल्यूज बताता है. जैसे कि आई, रोमन न्यूमेरल में आई, उसकी वैल्यू होती है 1, वी दैट इज 5, एक्स दैट इज 10, एल 50, सी 100, डी 500 एंड एम 1000. आपको ये टेबल याद होना चाहिए. अगर आपको आगे इस चैप्टर को अच्छे से समझना है तो आपको ये टेबल तो पहले याद ही होना चाहिए, क्योंकि सारे रोमन नंबर्स जो होते हैं वो इन्हीं डिजिट से बने होते हैं, इन्हीं रोमन न्यूमेरल से बने होते हैं. इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे डिटेल से. आप लोग हमारे डिजिट्स, हिंदू अरेबिक डिजिट्स जो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इससे तो आप लोग परिचित होंगे ही. हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो हम लोग हमें कुछ रूल्स देखने को मिलते हैं. रूल्स फॉर राइटिंग रोमन न्यूमेरल्स. रोमन न्यूमेरल्स को लिखने और समझने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं. कैसे रूल्स हम लोग पढ़ेंगे. सो द फर्स्ट रूल, पहला रूल ये कहता है दैट व्हेन सर्टेन रोमन न्यूमेरल्स आर रिपीटेड द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय देम इज देयर सम. सिंपली आप इसे ये समझ सकते हैं कि रूल नंबर 1 क्या कह रहा है. रूल नंबर 1 कहता है कि जब एक रोमन न्यूमेरल रिपीट करता है तो उस नंबर को जोड़ के रिप्रेजेंट किया जाता है. मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं. जैसे कि हमने अभी इस टेबल में देखा कि आई की वैल्यू कितनी होती है 1. अब ये रूल कहता है, तो ये रूल कहता है क्या कि अगर कोई सर्टेन रोमन न्यूमेरल रिपीट करता है, जैसे कि मैंने आई को रिपीट कराया, आई एंड आई डबल आई, तो इसे कैसे हम लिखेंगे. इसे हम 11 अगर लिखते हैं
तो ये गलत हो जाएगा। आप इसे ऐसे नहीं समझेंगे कि आई की वैल्यू वन एंड अगेन आई की वैल्यू वन। रूल नंबर वन यही कहता है कि अगर सर्टेन रोमन न्यूमरल रिपीट करता है तो उसकी वैल्यू ऐड करके लिखी जाती है, मतलब कि आई की वैल्यू वन एंड अगेन आई की वैल्यू वन। तो अगर हमने दोनों को जोड़ा तो हमें क्या मिलेगा, टू। दैट इज डबल आई इज इक्वल टू टू। क्लियर। नाउ अगर हम दो की बजाय आई को तीन बार रिपीट कराएं, आई आई एंड आई, तो इसे हम क्या लिखेंगे, वन प्लस वन प्लस वन, दैट इज थ्री। आप लोग पहले से ही फिफ्थ क्लास में हैं तो आपने स्कूल में भी अपने देखा होगा, अगर आपको स्टैंडर्ड लिखने को आता होगा जब आप पहले सेकंड स्टैंडर्ड में होंगे तो अपने क्लास सेक्शन में क्या लिखते होंगे, सेकंड, कुछ इस तरह से, और थर्ड में होंगे तो थर्ड कुछ इस तरह से। याद आया? नाउ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी वही बात समझाई गई है, डबल आई इज इक्वल टू वन प्लस वन, दैट इज टू। अगेन ट्रिपल आई इज इक्वल टू वन प्लस वन प्लस वन इज इक्वल टू थ्री। नाउ एक्स एंड एक्स, एक्स दो बार रिपीट किया गया है तो एक्स की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, टेन, दैट इज टेन प्लस टेन इज इक्वल टू ट्वेंटी एंड सो ऑन। यहां पे नोट में कुछ लिखा हुआ है, आपको ये याद रखना होगा। अभी मैंने जो बताया, पहले समझने के लिए आप पहले बी पढ़े, ए से पहले आप बी पढ़िए। वी एल डी आर नॉट रिपीटेड, जो वी एल और डी मीन्स वी इज इक्वल टू फाइव, एल इज इक्वल टू फिफ्टी एंड डी इज इक्वल टू फाइव हंड्रेड, ये कभी भी रिपीट नहीं करेगा। क्लियर। आपको जब भी, जैसे कि वी इज इक्वल टू फाइव, तो अगर हमें टेन लिखना होगा तो हम वी एंड वी ये इज इक्वल टू टेन नहीं लिख सकते, क्योंकि टेन की वैल्यू क्या होती है, टेन की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है दैट एक्स इज द वैल्यू ऑफ टेन। सो वी एल डी आप याद रखेंगे, इसकी वैल्यू रिपीट नहीं करती है। नाउ अब हम पढ़ते हैं नोट ए। तो ए कहता है नो रोमन न्यूमरल्स कैन कम टुगेदर मोर देन थ्री टाइम्स, इट इज रॉन्ग टू राइट फोर ट्रिपल आई एंड फोर्टी, सॉरी फोर इज इक्वल टू आई 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 एंड फोर्टी एक्स 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 एक्स, वी कैन नॉट राइट लाइक दैट। कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग वन के लिए आई लिखते थे, टू के लिए डबल आई एंड थ्री के लिए ट्रिपल आई, तो अगर हमें फोर लिखना हो रोमन नंबर में तो हम चार बार आई नहीं लिख सकते हैं, ये रॉन्ग होगा, क्योंकि कोई भी रोमन न्यूमेरल जो रिपीट कर सकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम तीन बार रिपीट करेगा, ना कि चार बार। तो फोर की वैल्यू क्या होगी, हमें फोर कैसे लिखना होगा, फाइव माइनस वन, फाइव माइनस वन भी तो लिख सकते हैं, फाइव माइनस वन इज इक्वल टू फोर, द वैल्यू ऑफ फाइव इज वी एंड इसमें से हमें माइनस करना है एक, तो इसे आई वी लिखेंगे। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैंने वी के पहले आई क्यों लिखा, तो यही है हमारा रूल नंबर टू। इसके बारे में हम लोग आगे रूल में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं रूल नंबर टू। अगर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको
ये वीडियो समझ में आए। अगर नहीं तो अगर आपको ये वीडियो में कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं रूल नंबर टू की ओर। व्हेन अ रोमन न्यूमरल इज प्लेस्ड आफ्टर अनदर ऑफ ग्रेटर वैल्यू द वैल्यू ऑफ द रिजल्टिंग न्यूमरल इज इक्वल टू द सम ऑफ द न्यूमरल्स। तो रूल नंबर टू कहता है कि अगर किसी बड़े रोमन न्यूमेरल के आगे छोटा छोटा उससे छोटा रोमन न्यूमेरल लगाया जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। मींस v इज इक्वल टू 5 एंड i इज इक्वल टू 1, तो इसे हम लोग लिखेंगे 6। फिर से मैं दोहराऊंगा, अगर किसी रोमन न्यूमेरल के आगे उससे छोटा लेटर लगाया जाए तो उसकी वैल्यू सम होके लिखी जाती है। मींस v इज इक्वल टू 5 एंड उससे छोटा v से छोटा आई है। यू कैन क्लियरली सी हियर v इज इक्वल टू 5 एंड i इज इक्वल टू 1, तो v की 1 की i की वैल्यू v से छोटी है। क्लियर? सो द वैल्यू ऑफ v i इज इक्वल टू 5 प्लस 1 दैट इज 6। सिमिलरली लेट्स टेक अनदर एग्जांपल लाइक x वी नो दैट x द वैल्यू ऑफ x इज 10 एंड द वैल्यू ऑफ v इज 5। तो हम लोग क्लियरली कह सकते हैं कि v की वैल्यू x से छोटी है, और जब छोटे वैल्यू वाला नंबर किसी बड़े वैल्यू वाले नंबर के आगे रखा जाता है तो रूल नंबर टू के हिसाब से उसे प्लस करके लिखा जाता है। तो 10 और 5, 10 एंड 5 को हम लोग ऐड करके उसका सम लिखेंगे दैट इज 15। तो एक्स वी इज इक्वल टू 15। उसी तरह से दो और एग्जांपल लिए गए हैं जो आप लोग खुद से ट्राई करें। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। तो रूल नंबर 3 कहता है व्हेन अ रोमन न्यूमेरल इज प्लेस्ड बिफोर अनदर ऑफ ग्रेटर वैल्यू द वैल्यू ऑफ रिजल्टिंग न्यूमेरल इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द न्यूमेरल्स। कहने का मतलब है कि अभी हमने रूल नंबर 2 में पढ़ा कि अगर किसी बड़े नंबर लेटर के आगे छोटा लेटर आता है तो उसे क्या करते हैं, हम लोग प्लस करते हैं। लेकिन रूल नंबर 3 के हिसाब से, ये हो गया रूल नंबर 2, लेकिन रूल 3 के हिसाब से अगर किसी बड़े डिजिट के पीछे उससे छोटा कोई डिजिट आता है तो उसे हम लोग ऐड ना करके बल्कि सबट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, v that is 5 and i that is 1। तो रूल 2 में हम लोग प्लस करते थे, रूल 3 में हम लोग माइनस करेंगे। तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। क्लियर? कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। x की वैल्यू 10 एंड i की वैल्यू 1, तो x से छोटा है i और आई को एक्स के पहले रखा गया है। तो ऐसा अगर आप कभी भी देखेंगे तो हमेशा माइनस करेंगे। तो एक्स की वैल्यू 10 एंड आई की वैल्यू 1, तो 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। दो और एग्जांपल दिए गए हैं, इसे आप खुद से पढ़ के समझेंगे। आगे बढ़ते हैं तो रूल नंबर 4 देखने को मिलता है। रूल नंबर 4 कहता है When a Roman numeral of smaller value is put between two numerals of greater value, it is subtracted from the numeral on its right. हमने अभी कुछ देर पहले देखा था कि कभी बड़े डिजिट को छोटे डिजिट के पहले लिखा जाता है, या फिर कभी बड़े डिजिट को छोटे डिजिट के बाद। So, रूल नंबर 4 के हिसाब से, रूल नंबर 4 कहता है कि
कि अगर कोई छोटा डिजिट दो बड़े डिजिट के बीच में आता है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। लाइक पहला एग्जांपल आप देख सकते हैं, एक्स आई वी, तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि आई जो है एक्स और वी दोनों से छोटा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पे ये फोर फोर भी लिख सकते हैं, आई वी की वैल्यू 4 एंड एक्स की वैल्यू 10, हम डायरेक्ट 10-4 भी कर सकते हैं। लेकिन अगर लाइन बाय लाइन करना है आपको, तो सबसे पहले हम लोग एक्स की वैल्यू 10 माइनस फाइव की वी की वैल्यू 5 फाइव माइनस वन सॉरी 10 + 5 - 1 दैट इज 10 + 5 = 15 - 1 = 14। यहाँ पे आप डायरेक्ट ये भी कर सकते थे, 10 की वैल्यू एक्स की वैल्यू 10 एंड आई वी की वैल्यू 4, तो 10 - 4 = 14, 10 + 4 = 14। क्लियर। अगला एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, अगला एग्जाम्पल कहता है एक्स आई एक्स, तो हमें पता है आई एक्स की वैल्यू होती है 9 एंड एक्स की वैल्यू होती है 10। तो हमने अभी पढ़ा कि अगर एक्स आई एक्स तो हमने अभी पढ़ा कि अगर बड़े डिजिट के आगे छोटा डिजिट लिखा होता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। मीन्स एक्स की वैल्यू 10 एंड आई एक्स की वैल्यू 9, क्योंकि आई एक्स इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 - 1, 10 - 1 दैट इज 9, तो 10 से 9 छोटा है, दैट इज 10 + 9 = 19। क्लियर। एक एग्जांपल और है, इसे आप खुद से पढ़े और समझेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं रिमेम्बर करने के लिए, देयर आर सम पॉइंट्स टू रिमेम्बर। पॉइंट ए इज दैट रोमन न्यूमरल्स डू नॉट फॉलो द प्लेस वैल्यू सिस्टम। रोमन नंबर जो होता है वो प्लेस वैल्यू सिस्टम को फॉलो नहीं करता। जैसे कि आपने प्रीवियस क्लास में प्लेस वैल्यू के बारे में तो पढ़ा ही होगा, तो प्लेस वैल्यू जैसे हम लोग लिखते हैं वंस, उसके आगे टेंस, ऐसे ही वंस टेंस 100 1000 10000, तो सीरियल वाइज लिखते हैं, तो उसे प्लेस वैल्यू कहते हैं। लेकिन जो रोमन नंबर होता है वो प्लेस वैल्यू सिस्टम को फॉलो नहीं करता, उसे हम कैसे भी लिख सकते हैं। पॉइंट बी कहता है देयर इज नो रोमन न्यूमरल फॉर 0। अब आप कहेंगे कि आपके दिमाग में ये सवाल तो आ ही रहा होगा कि 0 के लिए क्या वैल्यू हो सकती है रोमन नंबर में। तो 0 के लिए कोई रोमन न्यूमरल नहीं होता है। हमने पीछे भी पढ़ा था इस टेबल में कि 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 नंबर्स के लिए ही बस रोमन न्यूमरल्स होते हैं और उनके वैल्यूज होते हैं, बाकी के वैल्यूज हमें खुद से बनाने पड़ते हैं। क्लियर। सो नाउ अब आप आगे देख सकते हैं, यहां पे कुछ टेबल भी दिए हुए हैं, 1 to 100 दो बॉक्स बना के, पहले रोमन न्यूमेरल उसकी उसकी वैल्यू। तो अगर आप ये याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, अगर अगर आप याद करना नहीं चाहते हैं तो समझ लीजिए और उसके बाद सॉल्व करिए। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। मैंने इस वीडियो में जितना भी बताया, आई होप उसके आधार पे आपका ये एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो आपके स्कूल के चैनल टेलीग्राम चैनल पे आप डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, आपके डाउट्स क्लियर
क्लियर कर दिए जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप ये एक्सरसाइज खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।